से दिल्ली में योग गुरु रामदेव की गिरफ्तारी से जमशेदपुर के अनशनकारी मरने मारने को तैयार हैं। उन्होंने खुले मंच से कांग्रेसियों के संबंध में अपशब्द भाषा का भी प्रयोग किया है। साक्षी गुलचक्कर पर भ्रष्टाचार व काले धन के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे साधु संत के साथ विभिन्न दल के लोगों में योग गुरु रामदेव की गिरफ्तारी से ही नाराजगी है। वे मरने मारने को तैयार हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अनशनकारी टीवी के माध्यम से पल पल की समाचार पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि विगत 24 घंटे से अनशन में अरविंद प्रसाद, देव कुमार, राजीव रंजन, रास बिहारी पांडे, श्याम प्रकाश, घनश्याम प्रसाद और संतोष कुमार वर्मा अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। वे योग गुरु रामदेव के अगले आदेश का इंतजार में हैं। उनके समर्थन में भाषण दे रहे सुधीर मिश्रा ने खुले मंच से कांग्रेस को कुत्ता तक कह डाला। वहीं महंत दीपक गिरी ने सोनिया गांधी को भगत सिंह जैसे हथियार उठाने और चंद्रशेखर आजाद की तरह गोली चलाकर मारने और स्वयं मरने की बात कही। अवतार में धर्म बढ़ाए, जब जब अधर्म हुआ परशुराम जैसे सन्यासी अवतार लिए, विवेकानंद जैसे सन्यासी अवतार लिए हैं, वैसे बाबा रामदेव भी हैं, वैसे हम भी वही कर्म करेंगे और अपने जान देकर भी भारत माता को अपने भ्रष्टाचार से और क्या बोलते हैं कि अभी भी अपना देश जो है बोलते आजाद हुआ है, आजाद अभी भी नहीं हुआ। और अपने देश को सोनिया गांधी को अगर भगत सिंह के जैसे हथियार उठाना पड़े और चंद्रशेखर जैसे गोली चलाना पड़े और गोली खाकर खुद मर जाना पड़े मरने के लिए,